नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टेक आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी टिकटॉक पे बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, जिसमें आपको एक वीडियो के अंदर लायन या टाइगर या स्नेक या कुछ भी मतलब ऐसा जानवर दिखाई देता है जो बैठा हुआ दिखता है वहाँ वीडियो में, और वीडियो के जो बाकी कंपोनेंट्स जो पार्ट्स रहते हैं, जैसे कोई आदमी बैठा है उसके साथ में ही वो बैठा हुआ लगता है, ऐसा लगता है उसी के घर में है और वो रियल है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, ये एक एनिमेशन की मदद से होता है। और ये कैसे होता है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको सब बता दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो के अंदर करके दूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये करा मैंने अपना, यहाँ पर गूगल ओपन करना है अपने को। इसके बाद यहाँ पर सर्च करना है अपने को सिंपली टाइगर। दोस्तों, टाइगर सर्च करके मैं जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पर मेरे को लिखा हुआ दिखेगा व्यू विन 3D, आपको भी इस पर क्लिक करना है। तो सब देख सकते हैं, क्लिक करने के बाद एक टाइगर आ जाएगा। ये टाइगर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जूम इन जूम आउट ये इतना क्लियरली के साथ हो सकता है। दोस्तों, हर फ़ोन में यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है इन फ़ोन में। जैसे कि मेरे फ़ोन में भी आपको यहाँ पर शो नहीं दिखेगा, यहाँ पर आएगा ऐड टू होम स्पेस। दोस्तों, ये ऑप्शन आपको किसी फ़ोन में नहीं देखने को अगर मिलता है, तो आपके लिए मैं इसको सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। दोस्तों, अपने का सिंपली अपने गूगल में से बाहर आ जाना है। और दोस्तों, अपने को है ना अपना गूगल क्रोम और गूगल जो मेन ऐप है, ये वाली और ये गूगल क्रोम, ये दोनों को अपडेट कर लेना है। अगर आपका पुराना वर्ज़न है तो इसमें शायद हो सकता है नहीं काम करे, मैंने अपने दोनों वर्ज़न ये अपडेट कर लिए है दोनों चीज़ों को। उसके बाद मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, आपको अपने गूगल को ऐसे प्रेस करके रखना है और ऊपर के आई आइकॉन पर क्लिक करना है, जिससे कि मैं आपको गूगल की ऐप इंफॉर्मेशन में आ जाऊँगा। इसमें आप सेटिंग की मदद से भी जा सकते हैं, अगर आपको ऐसा करना नहीं आ रहा है तो आप सेटिंग में जाइए अपने फ़ोन की, वहाँ पर ऐप्स में लगा, ऐप्स में से मैनेज ऐप्स में जाइए, मैनेज ऐप्स में से आप गूगल खोल लेना। गूगल खोलने के बाद अपने को यहाँ से स्टोरेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लियर स्टोरेज इस पर क्लिक करेंगे और क्लियर गूगल सर्च डाटा ये ऑल क्लिक कर देंगे, और ये क्लियर ऑल डाटा ये दोनों मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद इसमें से बाहर आ जाएंगे और आएंगे अपन परमिशन पर। परमिशन वाले ऑप्शन में आप देखेंगे कि कैमरे का ऑप्शन बंद है, इसको अपन चालू कर लेंगे। चालू करने के बाद इसमें से बाहर आ जाएंगे और सेम चीज़ अपने को करना है गूगल क्रोम के साथ। ये मेरा मेरा गूगल क्रोम, क्रोम में आके भी आई बटन पर मैं दबाता हूँ और इसमें स्टोरेज पर जाता हूँ मैं, क्लियर स्टोरेज और एक क्लियर ऑल डाटा कर देता हूँ। क्लियर डाटा ऑल डाटा करने के बाद आप देख सकते हैं क्लियर चेचेस और सब क्लियर हो चुके हैं। मैं अब आऊँगा परमिशन पे, परमिशन में आके मेरे को कैमरा ऑन कर देना और स्टोरेज ऑन कर देना, माइक्रोफोन मतलब सब ये ऑन कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं है कुछ, सारे ऑन भी कर दिए तो सारे ऑन करके छोड़ देंगे हम यहाँ पर इसको। अब मैं वापस आता हूँ अपने गूगल पे। मैं गूगल पे आने के बाद मैंने सर्च करा टाइगर, व्यू विन 3D पे क्लिक करूँगा मैं। दोस्तों, अब यहाँ पे अब तो आपका फ़ोन थोड़ा टाइम लेगा। हमको दो तीन बार इसमें से बाहर आके और वापस से इसमें जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारा गूगल और क्रोम का डाटा जो है क्लियर कर दिया है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा इसको रीसेट होने में, व्यू विन 3D। एक बार और ट्राई करते हैं। दोस्तों, मैं वापस से व्यू विन 3D पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यह टाइगर जो है आ गया है। और यहाँ पर दोस्तों अभी भी वो ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दोस्तों, आपके फ़ोन में वो आ गया होगा, और अब किसी किसी के फ़ोन में अगर कोई दिक्कत आ रही है और नहीं आया, जैसे कि मेरे फ़ोन में यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मेरा फ़ोन उसको शो नहीं करेगा, मैं आपको बता दूंगा वो भी, और इसका इसी वीडियो में अंदर सॉल्यूशन दे दूंगा इसका भी। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में नहीं आया, और जिसके फ़ोन में आ जाएगा वो इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो वो आपकी वीडियो में आ जाएगा डायरेक्ट, और वहाँ से वीडियो बना के टिकटॉक पर डाल सकते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया है तो मैं उसके लिए भी एक ट्रिक बताता हूँ आपको। आपको सिंपली अपने गूगल से बाहर आ जाना है। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो में आपको ऑप्शन भी बता रहे हैं कुछ लोग कि आपको इसको एप्लीकेशन एक जो है गूगल प्ले सर्विस फॉर AR वो डाउनलोड करना है। वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड हो नहीं रही होगी आपके फ़ोन में, और अगर हो रही है तो आपके इसमें वो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने ट्रिक बताई है ना, इससे हो जाएगा, कोई भी बाहर की एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब मैं आता हूँ इस टाइगर की जगह पर, मैं लिखता हूँ AR डेवलपर मोबाइल लिस्ट। दोस्तों, यहाँ पर AR डेवलपर मोबाइल लिस्ट सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आएगी, इसको अपने को ओपन करना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, नो थैंक्स। जैसे ही मैं इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर आएगा एंड्रॉइड गूगल प्ले, एंड्रॉइड चाइना और iOS।
दोस्तों मैं इसको और ऊपर करूंगा तो यहाँ पे एक मोबाइलों की लिस्ट आएगी जो मैन्युफैक्चरर, मॉडल और नोट्स। दोस्तों यहाँ पर ये मॉडल लिखे हुए हैं जो, और मैन्युफैक्चरर। दोस्तों आपको इसमें सिंपली अपना का फ़ोन देखना है, आपका जो फ़ोन है वो इस लिस्ट में है या नहीं। दोस्तों बहुत लंबी लिस्ट है, अगर आपका फ़ोन इसमें हुआ तो आपके फ़ोन में वो सिस्टम, मैंने जो प्रोसेस बताई है आपको इस वीडियो के पहले, वो सारा करने से हो जाएगा। और अगर आपका फ़ोन इस लिस्ट में नहीं हुआ तो दोस्तों फिर जब तक ये आपके फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आ जाता, जब तक आपके फ़ोन में ये वर्किंग नहीं करना है ये सिस्टम, आप कुछ करके और नई ऐप, दूसरे फ़ोन, बाहरी ऐप्स डाउनलोड ना करें और अपने स्टोरेज ना बिगाड़े और वायरस ना लाए अपने फ़ोन में, कोई भी बाहरी एक्सटेंशन ऐप्स करने की, यूज़ करने की मदद से आपके उसमें वो डाउनलोड हो चलेगा ही नहीं, वो ऐप जो थ्री डी टाइगर है वो परफॉर्म नहीं करेगा। इसके लिए आप अपना समय वेस्ट ना करें, और ये जो आपने, मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसी से जिसके मोबाइल में चालू हो जाए वो इसको यूज़ कर सकते हैं, और जिसके मोबाइल में अगर चालू ना हो तो ये लिस्ट यहाँ से ओपन करें, अपना मोबाइल देखें, अगर फिर भी अपना मोबाइल नहीं है तो नया अपडेट आएगा तब मैं आपको इसकी और जानकारी दे दूंगा और पूरी वीडियो बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जिसका भी फ़ोन चालू हो गया वो लाइक ज़रूर करना, जिसका भी वो सिस्टम वर्क कर गया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।